तो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो गाइस यार, एक और कमाल की वीडियो आ चुका है जो कि आप लोगों के आंखों के सामने रखा हुआ है फोटो, एंड आप लोग देख सकते हैं फोटो हमारा कितना ज़्यादा हार्ड बना हुआ है। और एक बात, अगर आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको सेम टू सेम ऐसा एडिटिंग करना आ जाएगा। और देख लीजिए ऑल पेंट कितना मस्त मैं अपने हेयर पर यूज किया हूँ, एंड अपने आँख पे और फेस पे, यानी कि सारा जगह ऑल पेंट किस तरह यूज किया हूँ और किस तरह आप लोग यूज कर सकते हैं सारा बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एप्लीकेशन सबसे हार्ड होता है एडिटिंग के लिए, यानी कि सबसे हार्ड एडिटिंग ऐप कौन सा है और किससे क्या होता है और फुल एचडी फोटो कैसे बनता है, सारा कुछ बताने वाला हूं। बस आप लोग को वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है, तभी आप लोग ऐसा एडिटिंग सीख पाएंगे और इतना हार्ड एडिटिंग करके इंस्टाग्राम पे ग्रो अपना आईडी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मेरा हर रोज ऐसा ऐसा वीडियो आता रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी निक सी बकचोदी के। तो देख लीजिए हम फोटो कितना ज़्यादा बेकार था बिना एडिटिंग वाला, आप लोग को भी बिना एडिटिंग वाला फोटो को ले लेना होगा। और एक बात, जो जो मैं स्टेप को फॉलो करूँगा वही स्टेप आपको भी फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टेप में आप लोगों को क्या करना होगा, फोटो को ले चलना होगा स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। तो देख लीजिएगा आप लोगों को भी स्नैपशीट में शेयर कर देना है फोटो को, और इसमें आने के बाद हमको आना है टूल्स पे और हमको जाना है ट्यून इमेज पे, और जितना मैं जो हाई करूँगा उतना ही आपको भी हाई करना है। तो सबसे पहले हम एम्बियंस को प्लस 19 कर देंगे या 17 कर देंगे, फिर नीचे आएंगे तो शेडो को कुछ हमको प्लस 22 कर देंगे, फिर हम लोग को देखिए कंट्रेस्ट आएगा तो इसको भी प्लस आप लोग को 7 या 8 कर देना है। देखिए बिफोर एंड आफ्टर कुछ इतना आपको काम कर देना है। उसके बाद आपको जाना है टूल्स पे और हमको डिटेल पे जाना है, और देखिए इस बार सेरपनी को कुछ इतना हाई कर देंगे, देखिए सेरपनी को हाई करना है, फिर कुछ जो स्ट्रक्चर है इसको भी प्लस हमको 10 कर देना है, 10 या 9 कर देंगे। उसके बाद देखिए बिफोर एंड आफ्टर, देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर कुछ ऐसा आपको फोटो को कर लेना है। देखिए फोटो हमारा कितना ज़्यादा एचडी हो चुका है, एंड इतना काम करने के बाद आप लोग को फोटो को ऐसे सेव कर लेना है, एंड सेव करने के बाद आप लोग को एक एप्लीकेशन लेगा तो उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है एडोब फोटोशॉप फिक्स, जो कि आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोगों से डाउनलोड नहीं होता है तो फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना के आप लोग को दे दूंगा। फिर देखिए इस फोटो में ओपन करने के बाद हमको अपने फोटो को ले लेना है स्नैपशीट में। और गाइस यार एक और बात, वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो सब किसी से हट के होने वाला है। फिर हम आएंगे लिक्विफाई वाले ऑप्शन पे, फिर वह पे जाना है, और देखिए हमको अपने हेयर को इस तरह देखिए सेट कर लेना है। देखिए मैं जिस तरह सेट कर रहा हूँ इस तरह आपको भी अपने हेयर को सेट करना है। देखिए इस तरह आप लोग देखिए ऐसा साइज ज़्यादा छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो मैं इतना साइज किया हूँ, एंड अपने हेयर को आप लोग को सेट अच्छे तरह से कर देना है ताकि आपका फोटो प्रोफेशनल लगे। देख लीजिए मैं कितना मस्त सेट कर रहा हूँ इससे। और एक बात, आप लोग इससे इसलिए सेट कीजिएगा ताकि इससे क्वालिटी लो नहीं होता है, और जो पिक्सआर्ट से बहुत लोग करते हैं फोटो को हेयर सेट तो उनका क्वालिटी लो हो जाता है और हमारा जो हेयर होता है वो बेकार हो जाता है। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, पिक्सआर्ट से हेयर को नहीं सेट करना है। तो देख लीजिए हमको कुछ इस तरह सेट कर देना है प्रोफेशनल तरीके से, और इतना काम करने का देखिए आपको अच्छे से सेट करना है। देख लीजिए कितना मस्त हमारा हेयर लग रहा है, तो आप लोग अच्छे से सेट कर दीजिएगा। फिर इतना काम के बाद हम लोग को फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है, फिर हम लोग फिर यहाँ से एक बार और सेव कर लेंगे। देखिए फिर हमको अपने फोटो को शेयर कर देना होगा कहाँ पे, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, और मैं आपको लाइटरूम में बताऊंगा किस तरह फेस को वाइट करना है। तो देखिए फोटो हमारा यहाँ पे ऊपर आ गया होगा, अभी दिखाता हूँ। देखिए फोटो हमारा यहाँ पे आ चुका है, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग शेयर कर देंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। और एक बात, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए बता रहा हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि गाइस यार मान लीजिए बहुत मैं मेहनत करता हूँ आप लोग को एडिटिंग सिखाने के लिए, अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिएगा फिर मान लीजिए मेरा मेहनत सब ऐसे ही चला जाएगा, तो इसलिए आपको बस वीडियो को वॉच कर लेना है। फिर देखिए हमको ऑल फोटो पे आ जाना है, और आपको मैं एक प्रीसेट दे दूंगा ब्लैक प्रीसेट जो 2023 स्पेशल प्रीसेट है, फिर इसको जाना है 3 डॉट पे एंड कॉपी सेटिंग पे जाना है। फिर देखिए इतना सारा आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, तो हमें कुछ भी किसी को भी कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट सही पे क्लिक कर देना है। फिर हमको अपने फोटो पे आना है और 3 डॉट पे जाकर हमको पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। देखिए 1 क्लिक एंड फेस हमारा पूरा वाइट हो चुका है, देखिए कितना ज़्यादा एचडी में हो चुका है हमारा, इतना काम देख लीजिए पूरा फुल एचडी हो चुका है। तो देख लीजिए प्रीसेट हमारा कितना कमाल का था कि पूरा एक ही बार में फेस वाइट हो गया। तो देखिए इतना काम के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ इस पर जाकर और कुछ हमको देखिए एक्सपोजर कुछ इतना लुक कर देना है,
एंड इतना काम के बाद आप लोग अपने फोटो को शेयर कर दीजिएगा पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। एंड आपको बताऊंगा पिक्स आर्ट में किस तरह बैकग्राउंड को इफेक्ट देना है और किस तरह बैकग्राउंड को हमको अच्छी तरह से सजाना है। तो देखिए, हमको पिक्स आर्ट में आने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, सबसे पहले जाना है स्टिकर वाले ऑप्शन पे और आपको जाना है सर्च पे और आपको सर्च करना है लाइट पीएनजी। तो देखिए, हमको सर्च करना है लाइट पीएनजी और इस वाले को लाइट पीएनजी को लेना है। कुछ ब्लेंड पे जाकर स्क्रीन करके इसको देखिए एक बार यहाँ पे इसको लगाएंगे, फिर कुछ एडजस्ट पे जाएंगे और इसके हुई पे जाकर इसको पूरा लुक कर देंगे एंड सही करेंगे। फिर कुछ हमको इसको ओपेसिटी को इतना डाउन करना है, देखिए इतना पे, और इरेज पे जाकर इसको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। देखिए, हम कुछ नहीं किए, बस इसको पीएनजी को लिए और इसका कलर चेंज किए और बैकग्राउंड पे इफेक्ट सारा डाल दिए, फिर सही कर देना है। फिर आपको प्लस पे जाना है और फिर स्टिकर पे एक बार और जाना है, फिर उसी को एक बार और इस तरह ले लेना है। ब्लेंड पे जाएंगे, स्क्रीन करेंगे, फिर आपको एडजस्ट पे जाना है, हुई पे जाना है, सबसे इसको माइनस लुक कर देना है, फिर सही करेंगे। फिर इसको कुछ जूमिंग करके यहाँ पे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे, फिर ओपेसिटी को डाउन करके और इरेज पे जाकर हमको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, यानी कि ये भी इफेक्ट हमारा बैकग्राउंड पे चला गया है। तो आप लोग ये काम कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना होगा, देखिए इसको हम और लुक कर देते हैं एंड इसको भी और लुक कर देते हैं। फिर आपको एक बार और जाना है स्टिकर पे और आपको एक बार और इसी पीएनजी को लेना है, ब्लेंड पे जाकर स्क्रीन करके कुछ इसको यहाँ पे लगाना है, देखिए यहाँ पे, और इसको ओपेसिटी को आप लोग को इतना डाउन कर देना है, देख लीजिए इतना पे। फिर इतना काम करने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, स्टिकर पे एक बार और आपको सर्च करना है ब्रेकअप। देखिए, आप जैसे ही सर्च कीजिएगा बहुत सारा टेक्स आएगा, मैं इस वाले को लगाऊंगा तो इसको ले लीजिएगा और ब्लेंड करके स्क्रीन करके इसको कुछ यहाँ पे इसको लगा दीजिएगा। देखिए कितना हमारा फोटो प्रोफेशनल लग रहा है। तो आप लोग को इतना काम कर देना है, पिक्स आर्ट में सारा काम हमारा हो चुका है। अगर आप लोग कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा, इतने पे इसको सेव कर लूँगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको जाएंगे इस ड्रॉ वाले ऑप्शन पे और आपको थ्री डॉट पे जाकर यहाँ से सेव कर लेंगे। देखिए, आप लोग भी इतना काम कर लीजिएगा एंड आई होप कि इतना तो आप लोग को आइए हो गया होगा। तो फिर देखिए, इतना काम का तो बैकग्राउंड का वर्क हमारा हो चुका है। अब बचा हुआ है फेस का वर्क, जो कि फेस का वर्क सबसे हार्ड होता है, जो कि बैकग्राउंड का वर्क तो आप लोग देख कर बना सकते हैं बट फेस देख कर नहीं बन पाता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग शेयर कर देंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। देखिए, आप लोग भी इसको शेयर कर दीजिएगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो हम शेयर कर देते हैं। तो देखिए, उसके बाद हमको स्नैपसीड में आने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेगा तो देखिए यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे देखिए जगह जगह पे ब्लैक है गर्दन वर्दन पे। तो आपको सारे जितना भी ब्लैक वाला पार्ट है उसको वाइट करना है। तो इसको वाइट करने के लिए हम जाएंगे टूल्स पे और हमको सिलेक्टिव पे जाना है और देखिए मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक है तो मार्क लगाएंगे और इस तरह छोटा करके ब्राइटनेस को हाई करके इसको लो कर देंगे। फिर देखिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस आँख पे ब्लैक है तो वहाँ पे हम लोग ब्राइटनेस को हाई करके इसको लो कर देंगे। फिर कुछ हम इस वाले आँख पे ब्लैक है तो इसको भी लाइटिंग वेटिंग दे देंगे। फिर यहाँ पे ब्लैक है तो आपको यही काम करना है, जहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट आप लोगों को दिखाई दे वहाँ पे हम लोग को लाइटिंग को दे देना है। फिर देखिए गर्दन पे भी हम लोग इस तरह लाइटिंग को देकर ब्राइटनेस को सिचुएशन को लुक कर देंगे। फिर देखिए हमको अपने हाथ पे भी इस तरह लाइटिंग देकर इसको लुक कर देंगे। देखिए कितना मस्त हमारा वाइट हो रहा है। तो इसी तरह आपको दो या तीन बार में आपको फेस को मस्त तरीके से वाइट कर लेना है ताकि फोटो आपका मस्त दिखाई दे। देख लीजिए कितना ज़बरदस्त मैं वाइट कर रहा हूँ, इस तरह आपको भी वाइट कर लेना है। देखिए इस तरह जिस तरह मैं वाइट कर रहा हूँ इसी तरह आपको भी वाइट करना है तभी फोटो आपका मस्त दिखाई देगा। तो देख लीजिए कितना मस्त मैं वाइट कर दिया। और एक बात, इस वीडियो में कुछ आपको अलग चीज़ सिखाने वाला हूँ जो कि आप लोग काफ़ी कोई भी नहीं जानता वो अलग चीज़ क्या चीज़ होता है, जो कि वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कौन सा ट्रिक है और आप लोग उसको देखकर खुश हो जाइएगा। फिर देखिए इतना काम करने के बाद हमको एक और काम करना है अच्छे से लाइटिंग। तो आप लोग मान लीजिए मिलाइए लीजिएगा अपने हाथ से। फिर कुछ उसके बाद क्या करना है, हमको इस फोटो को हम लोग को शेयर कर देना है कहाँ पे, टूलविज एप्लीकेशन के अंदर। देखिए रेमनी मारने से पहले हम लोग को फोटो को शेयर करना है टूलविज में और टूलविज हम क्या करेंगे, अपने हेयर पे सारा जगह पे हम लोग इसके इफेक्ट को यूज करेंगे। तो हम टूलविज में आने के बाद और आपको सॉफ्ट स्मोच पे चले जाना है। फिर आपको ले लेना है सिक्स्थ नंबर वाले को और सिक्स्थ या आप लोग सेवन्थ को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मार्क्स पे जाएगा, क्लीन कर दीजिएगा। फिर आप लोगों को देखिए इस तरह अपने हेयर पे एंड बैंडेज पे भी इसको यूज कर लेना है, ठीक है। तो देख लीजिए आपको इसी तरह यूज करना है जिस तरह मैं यूज कर रहा हूँ। देख लीजिए कितना मस्त मैं यूज कर रहा हूँ इसको। तो आप लोग भी इसको अपने हेयर पे यूज कर लीजिएगा, बैंडेज पे हो सके तो कीजिएगा वरना मत कीजिएगा, ठीक है।
तो देख लीजिए मैं हेयर पे यूज कर लिया हूँ एंड बैंडेज का हम लोग इफेक्ट को हटा लेते हैं। पता है बैंडेज जो हमारा है ना ये बिंदु बिंदु, अभी रिमनी यूज करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाइएगा कि इसको हो सके तो यूज कीजिएगा वरना मत कीजिएगा। तो देखिए इतना काम करने के बाद देखिए अच्छे से हम लोग इसको यूज कर देते हैं। फिर देखिए आप लोग को इस वाले हेयर पे एंड इस वाले हेयर पे, फिर ये जो मूछ होता है इस पे और इस नीचे वाले पार्ट को हमको इतना फिल कर देना है। और देखिए आप लोग हो सके तो इसको भी हटा दीजिएगा। एंड इतना काम करने के बाद हम लोग फोटो को सही कर लेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ से भी हम फोटो को सेव कर लेंगे। देखिए इतना काम आप लोग भी कर दीजिएगा। एंड इतना काम करने के बाद हम लोग को शेयर वाले ऑप्शन पर चले जाना है और इस फोटो को हमको एक बार और ले चलना है। कहाँ पे हमको ले चलना है? एक बार नहीं, हमको लास्ट बार ले चलना है रेमनी एप्लीकेशन में। और आप लोगों को पता होगा कि रेमनी से हम लोग क्या करते हैं, फोटो को एचडी करते हैं। तो देखिए इस रेमनी में आप लोगों को लेके चले आना है अपने फोटो को। और एक बात आप लोग बोलते हैं भाई वीडियो फास्ट हो जाता है, मुझको समझ में नहीं आता, तो आप लोग वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। फिर देखिए आप लोग को एनहेच का ऑप्शन मिलेगा, हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ हमारा देखिए लोडिंग लगा, उसके बाद देखिए हमारा एक ऐड आ जाएगा 5 सेकंड का, कभी 30 सेकंड का आता है। तो हम लोग ऐड को देखने के बाद कट पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए हम फोटो अभी कितना ही ज़्यादा एचडी में होने वाला है जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा एचडी हुई, देखिए बिफोर एंड आफ्टर फुल एचडी हमारा फोटो हो चुका है। फिर हम लोग सेव पे जाएंगे और इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए एक और ऐड आ चुका है, चलिए हम लोग इसको स्किप कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये भी ऐड चल चुका है, फिर हमको कट पे क्लिक कर देना है। देखिए फोटो हमारा पूरा एचडी में अभी सेव हो जाएगा। तो देखिए फोटो हमारा सेव हो चुका है। फिर आप लोग को अपने गैलरी को ओपन कर लेना है और मैं जो जो ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, फोटो को ऑटोडेस्क में शेयर कर देना होगा। चलिए हम इसको ऑटोडेस्क में शेयर कर देते हैं। चलिए तो देखिए हमको ऑटोडेस्क में आने के बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे जाना है और हमको नीचे जाना है, तो इस वाले ब्रश को हमको ले लेना है। सेटिंग कुछ देखिए फॉलो वाले को इस बार हम लोग 4 रख लेंगे और नीचे को 12 और ऊपर को अपने हिसाब से। फिर देखिए आपको सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को स्मूथ करना होता है। देखिए हमको ब्रश को सीधा सीधा इस तरह चलाना है, फिर देखिए फोटो हमारा कितना ज़बरदस्त स्मूथ होगा। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि फोटो को सीधा ब्रश नहीं चलाते हैं, एंड जिस तरह उनका हाथ चलता है उस तरह आपको ब्रश को चला देते हैं आप लोग, जिससे कि फोटो आप लोग का बेकार हो जाता है। तो देख लीजिए वो गलती हमको नहीं करना है, जिस तरह हमारा फेस का आकार होता है उसी तरह हमको ब्रश को चलाना। देखिए नाक के साइड में इस तरह चलाएंगे, फिर कुछ मूंछ के ऊपर हम लोग इस तरह ब्रश को चलाएंगे, देखिए इस तरह। फिर देखिए हम आँख के नीचे कुछ इस तरह ब्रश को चलाएंगे। तो देखिए ये होता है सही तरीका ब्रश को चलाने का, जो कि आप लोग क्या करते हैं जिस तरह जिस तरह वो बुझाएगा उस तरह आप लोग स्मूथ कर देंगे, जिससे कि फोटो हमारा बेकार हो जाता है। तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो देख लीजिए आपको फेस में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो देख लीजिए कुछ देखिए मान लीजिए ये हमारा दाढ़ी है और इधर व्हाइट पार्ट है, इधर ब्लैक पार्ट है। तो आप लोग क्या करते हैं इस तरह स्मूथ करते हैं, जिससे कि क्या होता है इधर ब्लैक पार्ट हो जाता है। तो ये गलती अभी हमको नहीं करना, हमको क्या करना है देखिए इधर व्हाइट वाले पार्ट से देखिए इस तरह ब्लैक की तरफ हम लोग इस तरह ब्रश को चलाएंगे। फिर क्या होगा, जो व्हाइट वाला पार्ट होगा वो ब्लैक की तरफ आ जाएगा, यानी कि ब्लैक वाला पार्ट हट जाएगा। तो आपको देख लीजिए इस तरह स्मूथ करना है, देख लीजिए इस तरह। फिर कुछ हम लोग इसको देख लीजिए इस तरह स्मूथ करेंगे, देखिए कितना मस्त। एंड इसको इस तरह, तो देखिए जिस प्रकार मैं इस साइड का पार्ट को स्मूथ किया हूँ उसी प्रकार हम लोग को इस साइड का भी पार्ट को स्मूथ करना है। तो चलिए वीडियो को फास्ट कर लेते हैं, तब तक आप लोग को देखते रहना है और सीखते रहना है। सो गाइस देखिए हमारा फेस कितना मस्त स्मूथ हो गया है, आप लोगों को भी कुछ ऐसा स्मूथ कर लेना है। देखिए गाइस यार मैं आपके सामने ही स्मूथ किया हूँ और कितना ज़बरदस्त स्मूथ हुआ है, देख लीजिए कहीं पे ब्लैक पार्ट नहीं आया हुआ है। तो इतना काम आप लोगों को करने के बाद आप लोग देख लेना है कहीं पे छूटा तो नहीं है, वहाँ पे इस तरह मिला लेना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे, ये जो ऑप्शन हम लोग इस पे जाएंगे। फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्ट इमेज का, हम लोग इस पे आ जाएंगे। फिर ये जो गैलरी का ऑप्शन है इस पे आप लोग को चले जाना है। फिर आपको क्या करना है, जो आप लोग PNG को मैं दूंगा स्टॉक में उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर आप लोग को PNG को लगाना है, तो सबसे पहले मैं एक ब्लड का PNG दूंगा, उस ब्लड वाले PNG को आपको लगाना है। तो उसके लिए हम जाएंगे और देखिए फोटो हम यहाँ पे रखे हुए हैं PNG को, इसको इस तरह ले लेंगे और इसको लेने के बाद देखिए हम लोग कुछ इसको छोटा करके यहाँ पे लगाएंगे इसको यहाँ पे। एंड क्या करेंगे, इस पे लगाने के बाद हम लोग इसके ओपेसिटी को डाउन कर देंगे। देखिए इतना पे कितना मस्त लग रहा है, देखिए एकदम रियल लग रहा है।
फिर इतना काम के बाद आप लोग और भी इसको सेटिंग कर सकते हैं, इस पे जाकर नॉर्मल पे जाकर आप लोग इसको स्क्रीन कर सकते हैं, फिर इस पे जाकर आप लोग कलर ये कर सकते हैं एंड बहुत सारा आप लोग मिला सकते हैं इससे कि रियलिटी लगेगा। तो आप लोग देख लीजिए आप पे कौन सा सूट कर रहा होगा, वही आपको लगा देना है। और ये लगाने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, आपको एक गुलाब का PNG मिल जाएगा, तो उस वाले गुलाब को भी PNG को ले लेना है। तो चलिए हम उस PNG को ले लेते हैं, कहाँ पे हम रखे हैं। तो देखिए हम PNG अपना खोज लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। तो देखिए हमको PNG को ले लेना है इस तरह क्लिक करके, और इसको अपने हाथ पे इस तरह इसको बैठाना है, देखिए यहाँ पे इसको बैठाना है। फिर हमको इतना बैठाने के बाद सही पे क्लिक करना है, फिर देखिए हमको ब्रश पे जाना है, और आपको एक ब्रश मिल जाएगा इरेज वाला, तो हमको इस ब्रश को ले लेना है, सेटिंग कुछ नीचे को पूरा सही कर देना है। फिर आप लोग कुछ जूमिंग कीजिएगा इसको, और देखिए फिर अपने फिंगर को ऊपर के वाले पार्ट को इस तरह इरेज कर लेना है, देखिए मैं जिस तरह इरेज कर रहा हूँ इस तरह आपको भी इरेज कर देना है एंड इस पत्ते को भी हटा देना है। फिर देखिए इतना काम के बाद आपको एक मिलेगा फायर का PNG, यानी कि आग का PNG, उस वाले PNG को भी आपको ले लेना है। चलिए मैं ले लेता हूँ, इधर गया एंड पिक्सार्ट में हम रखे हैं, तो इसको ले लेना है। फिर कुछ इसको देखिए ऊपर इस तरह लगाते लगाते जिससे लगे कि इसमें आग लगा हुआ है, देखिए इतना स्पेशल PNG है कि लगता जिस तरह लग रहा है कि उस पर आग लगा हुआ है। एंड इतना काम के बाद आपको एक और PNG मिल जाएगा आंसू वाला, तो आपको आंसू का PNG को ले लेना है। चलिए हम व्हाट्सअप में होगा शायद, तो हम देख लेते हैं, देखिए ये रहा, तो इसको हमको ले लेना है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको देखिए कुछ यहाँ पर लगाना है, देखिए इसको यहाँ पर लगाना है, फिर इसको एक बार और इस पे जाकर डुप्लीकेट कर लेंगे, फिर इस पे जाकर और ट्रांसफॉर्म पे जाकर इसको नीचे खींच कर यहाँ पर लगा देंगे। देखिए हमारा कितना प्रोफेशनल इतना काम हो चुका है। फिर आपको इस पर क्लिक करना है, एक किसी एक पर क्लिक कर देंगे, फिर आपको एक ऑप्शन होगा मर्ज ऑल का, हमको इस पर क्लिक करना है, देखिए मर्ज ऑल हो चुका है। फिर हमको क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक कर देना है, प्लस पे नहीं हम डिलीट करेंगे, और हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। फिर आपको इस पर जाना है और आपको इस वाले ब्रश को ले लेना है, कलर पर जाकर इसको बीच वाले को रेड और साइड वाले को भी रेड कर लेना है। फिर आप लोग को जूमिंग करिएगा, और फिर हमको देखिए अपने इस तरह जो हमारा आँख है इस तरह हमको देख लीजिए कर देना है, देखिए इस तरह इस वाला पार्ट को सारा फिल कर देंगे, और कुछ इस साइड हम लोग इतना फिल कर देंगे। फिर आपको इस पे जाना है, इस पे जाना है, और फिर आपको देखिए इतना इसको कर देना है, आँख बस हमको लाल कर देना है, देखिए लाल आँख हमारा हो चुका है। फिर उसके बाद सारा स्टेप तो खत्म हो चुका है, एंड इसके बाद हम लोग शेयर कर देंगे इसको कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, और मैं आपको गजब का लाइटिंग वोटिंग देना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमको इसमें आने के बाद देखिए आपको क्या करना है, फेस पे ग्लो देना है, यानी कि जो लाइटिंग होता है चमक होता है वो देना है। तो उसके लिए हम आएंगे इस पे, और आपको ब्रश पे जाना है और जाना है 2 नंबर EX पे, देखिए इतना सारा आप ब्रश है तो इस पे चले जाना है। फिर आप लोग ध्यान से देखिएगा एक्सपोजर 0.3 होगा, तो आप लोगों में कहीं 7 होगा तो इसको माइनस करके 0.3 कर लीजिएगा। फिर हमको देखिए कुछ इस तरह, देखिए हमको क्या करना होगा, इस तरह देखिए हम लोग इस तरह अपने ओठ पे, देखिए ओठ पे नहीं हमको पूरा फेस पे अपने इस तरह फील इसको कर देना है। इससे क्या होता है, चमक आता है फेस पे, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितना मस्त चमक आ गया है। तो इतना काम करने के बाद फिर आपको इसको पूरा 0 इरेजर पर क्लिक कर देना है, यानी कि पूरा इसको माइनस कर देना है। फिर इसको अपने आँख पर से इफेक्ट को हटा लेना है, यानी कि हमको व्हाइट आँख को नहीं करना है, बस हमको चेहरा करना है, यानी कि जो हमारा हेयर हो गया इसको व्हाइट नहीं करना है, वरना फोटो खराब लगने लगेगा। तो देखिए इतना काम हो गया, फिर हम आएंगे टूल्स पे, और हमको सिलेक्टिव पे जाना है। फिर देखिए हमारा हाथ यहाँ पर अंधेरा है, तो हाथ में मार्क लगाएंगे, ब्राइटनेस को हाई करके नीचे को लो कर लेंगे। फिर कुछ हम यहाँ पे गर्दन पे लगाएंगे मार्क यहाँ पे, और इसको हाई करके इसको लो कर लेंगे। फिर देखिए इसी प्रकार आप लोगों को कहीं भी ब्लैक पार्ट दिखाई दे तो बस ब्राइटनेस को हाई करके इसको लो कर देना है। फिर यहाँ पे भी हम वही प्रकार क्या करेंगे, इसको हाई करके इसको लो करके इसको भी लो कर देंगे। फिर देखिए कुछ हम क्या करेंगे, फिर इस वाले आँख पे भी हम लोग को देखिए इसी प्रकार हमको इतना काम कर देना है। फिर देखिए फोटो कितना ही ज़्यादा प्रोफेशनल वाइट हो चुका है। फिर देखिए आप लोग को अपने हेयर पे इस तरह मार्क लगाना है, इसको लो करके इसको हाइक कर देना है। फिर कुछ हम यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग लो कर देंगे, इसको लो करके इसको हाइक कर देंगे। तो देखिए आप लोग को इतना काम करने के बाद कितना प्रोफेशनल लग रहा है फोटो हमारा। एंड एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है, जो कि हमको इसको ले चलना है फोटो को अपने Lightroom एप्लीकेशन के अंदर, एंड Lightroom में सारा कुछ हम फोटो को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि अगर आप लोग फोटो कितना भी अच्छा बना लेते हैं बिना Lightroom में गए तो उतना अच्छा लगता ही नहीं है, जो कि हमको एक बार Lightroom में जाना ही होता है फिर फोटो मस्त दिखाई देगा। तो देखिए हमको Lightroom में आ जाना है, और आपको सबसे पहले एक सेटिंग करना है, जाना है कलर पे, और देखिए इतना सारा ऑप्शन मिलेगा हमको, टेम्परेचर को +4, इसको +8, इसको +8 और इसको -4, इतना सेटिंग करना है। फिर आप लोग को ग्राइंडिंग पे जाना है, और ऊपर वाले को
38 और नीचे को पूरा हमको कम से कम इसको माइनस, देखिए दिखाता हूँ, इसको माइनस हम लोग को कम से कम 19 कर देना है, फिर डाउन करेंगे, फिर हमको मिक्स पे जाना है और हमको दोनों पे जाना है, इसको इतना लो करके इसको इतना हाई कर देंगे जिससे कि फेस पे येलो टोन आ जाएगा वाइट टोन के साथ। फिर आपको एक पे जाकर इसको हाई कर देना है, फिर देखिए बिफोर एंड आफ्टर, फिर हमको डाउन पे क्लिक करना है, फिर हमको आना है इफेक्ट पे और आपको क्लैरिटी को कुछ इतना हाई कर देंगे कम से कम 16 के आसपास में और विग्नेट को हमको इतना लूप कर देना है, देखिए इतना पे। फिर हमको एक बार और कलर पे आना है और मिक्स पे जाना है, फिर देखिए दोनों पे जाएंगे और आप लोग ब्राइटनेस को अपने हिसाब से रख दीजिएगा जितना आपको रखना होगा, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। फिर देखिए कितना मस्त हमारा इतना काम तो हो चुका है, फिर क्या करना होगा आप लोगों को देखिए हम डन करते हैं और आपको मास्किंग सिलेक्टिव वाले टूल्स पे जाकर एंड मास्किंग का यूज करके अपने ओठ पे इस तरह देखिए हमको इसको फिल करना है, देखिए इस तरह इस पे जाकर एंड इस तरह कुछ हम मार्क लगाएंगे अपने ओठ पे और फिर कलर पे जाकर इसको सिचुएशन को हम लोग को हाई कर देना है एंड इसको हम लोग इसको इसको रेड रहने देंगे, रेड कहा गया हमारा तो आप लोग को रेड कर देना है और अच्छे से मास्किंग टूल्स को हमको यूज कर लेना, देखिए इस तरह, ठीक है आप लोग अच्छे से यूज कर दीजिएगा ताकि आपका फोटो मस्त लगे। तो आपको ये काम कर देना है, देख लीजिए जो मैं काम किया हूँ एंड आप लोग का फोटो फिर आपका प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा लगेगा। तो देखिए इतना काम का देखिए बिफोर एंड आफ्टर, कुछ अच्छे तरह से आपको लिप्स को लगाना है, ठीक है कलर को लगाना है, जो कि मैं जल्दीबाजी में कुछ ऐसा लगा दिया हूँ बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अच्छे से लगाइएगा। तो देखिए इतना काम के बाद आपको आना है कहाँ पे, डिटेल पे और कुछ इसको शार्पनिंग को हाई करके और कुछ नीचे जाना है, नॉइज रिडक्शन को +26 कर देंगे, उसका देखिए हमारा कितना मस्त फोटो लग रहा है, देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। तो देख लीजिए हमारा हेयर पे कितना मस्त ओल्ड पेंट यूज हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपने मोच उस पर ओल्ड पेंट यूज करना तो आप लोग कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट टूलिज में शेयर करके एंड आप लोग अपने ओल्ड पेंट को यूज कर सकते हैं। तो गाइस यार आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी दमेदार वीडियो के साथ।